Hey guys, this is me Robbie here. This is me Azu here. We guys are back with another reaction video. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका चर्चा, उस पर्सन का चर्चा, उस बंदे का चर्चा पूरी इंडिया पे यूट्यूब पे धूम मचाई हुई है और वो है द बिग बॉस ओटीटी का विनर एल्विश यादव, जिसका सिस्टम आजकल चल रहा है, सिस्टम हो रहा है। एल्विश यादव की ठग लाइफ लेके आए हैं और देखते हैं बिग बॉस ओटीटी में उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। चला जी, तुम लोगों की तो कोठियां होंगी है ना? नहीं, आप सड़क पर से ऐसे उठ के वहीं पे ब्रश करते हो। सड़क पे सो जाते हैं कभी हम, क्योंकि सड़क अपने बाप की है। मेरी मम्मा बेटी वो सामने खड़ा है, तुम्हारी अपने बाप की है। हमारे घरों में पता क्या होता, हमारे उधर जैसे ही लगता ना लड़का में चोर हो गया दिखने में, तो उसकी शादी कर देते हैं। हमारे इधर भी होता है। तो तुम्हारी तो बहुत पहले कर देनी थी। मैं बोला ओटकटा बंदर कैसा कैसा होता, हमने तो नहीं देखा ओटकटा बंदर कभी, तो आज मुझे पता लगा ओटकटा बंदर कैसा होता। आपको देख के लगा ओटकटा बंदर ऐसा ही होगा। लाल बम वाला बंदर ऐसा ही होगा ना, लाल बम वाला। हाँ। You wanna check? मैक्सिमम लोग आप जो है दो हफ्तों की बिग बॉस के इस घर में OTT के इस प्लेटफॉर्म पर जियो सिनेमा पर डिफिकल्ट करना चाह रहे हैं। छह हफ्ते में नहीं कर पाए, दो हफ्ते में क्या ही कर। भाई मेरे को अच्छी समझ आती, कल वो जिया से भी पूछ रही थी बेबी का कि कैसा लड़का अच्छी है, तो उनकी डिमांड है टॉल, डार्क, हैंडसम, रिच, फैमिली ओरिएंटेड। मैं कहा सालो प्यार करने वाला नहीं चाहिएगा तुम्हें? शीशा नहीं देखते तुम? अभिषेक ने बाहर लाइफ में बहुत सारी चीजें करी हैं। वो यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और अब तो बिग बॉस OTT सीजन 2 का रनर अप भी है। सेट करेंगे और उसका ब्याह करके वहीं सेट हो जाएंगे। एक बार मुंबई आएगा ना, फिर एक बार दिल्ली आओगे ना तो मुंबई जाने का मन नहीं करेगा। एक बार तुम गुड़गांव आओगे ना, एक बार तुम गुड़गांव आओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। में इतना काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, तो कभी आपको ये नहीं लगता कि इतनी मेहनत अपनी मूवीज में कर लेती थी? मैंने क्या बोला, अगर गलत होगा तो टॉयलेट के पीछे छुप जाऊंगा, खोल आना मत कोई। टॉयलेट के पीछे? टॉयलेट के अंदर छुप गई हो, कमोड के अंदर तू चल जाइयो, पीछे मैं चल जाऊंगा। ये लड़का आया जमाई बन के घर, चोर है साला, चोर। और चोर कैसे कहना मुंह से, ये सब कहने की ना पागल है, कैसा साढ़े पता चल जाएगी इनको। ब्रेकअप हो जाएगा तो आ जाएगा, ब्रेकअप रुक अपना होगा हमारा, पापा की वाली दूध वाला के साथ भाग जाएगी क्योंकि मेरा सराप है। ऐसे सराप में नीट मार जाओ, नीट मार जाओ, क्या मार जाओ, नीट पी जाऊंगा ऐसे सराप में। नीट बोले तो नीट मतलब सिस्टम, वो शराब सिस्टम। तुम्हारी मम्मी से मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे अविनाश फर्स्ट का सेकंड में था। पूजा जी केम आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस। उनको आई थिंक एक इन जनरल भी दिया कि आपने घर को घर बनाया और हम घर को बाथरूम बना रहे हैं।
ये आज जानबूझ के हैवी डंबल मारा ताकि बेबी का इंप्रेस हो जाए। अबे साले शहर दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तब भी मैं लड़कों से प्यार करूंगा तुझसे। पूजा भी आप कभी किसी मूवी में ये वाला काम किया? नहीं मतलब मैं लाइफ में करती हूँ यार। अच्छा लाइफ मैं लेके भी आई हूँ, मेरा ये है मेरे साथ में। अच्छा लाइफ में किया, एक्टिंग ऐसा कुछ नहीं की ये वाला रोल? मैंने किया है। तूने किया? जूते पॉलिश का रोल किया तूने? तो उसमें तू कहती जूता, उसमें तू कहती जूता। यार बहुत बेइज्जती करते हो। रुको जरा सबर करो। भाईचारा कायम रहेगा, कायम है, चाहे लड़ाई भी हो जाए खुल के, लात कुचंड भी हो जाए, बट हार्ड फीलिंग्स ना हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही है, हम तो पड़ोसी हैं, मिलेंगे जल्दी, तू जीता मैं जीतूं, कम्युनिटी विंस। So guys, this was the thug life of Elvis Yadav. क्योंकि आजकल जितना चर्चा है एल्विस का और जिस तरह उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं तो उसके दाद देता हूँ, ठोक के मारता भाई वो ऐसी सी बेइज्जती करता है कि बंदा दूसरा बोलने में जोगा नहीं रहता। तो आई होप कि आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, बिकॉज हमें तो बहुत मजा आया, आपको भी मजा आया होगा, बिकॉज एल्विस और देखना चाहते हैं एल्विस यादव की कंपाइलेशन और ठग लाइफ, तो आप लोग हम लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपने बहुत कहा था तो हम ये लेके आए आपके लिए, तो अगर लेके आए तो आपको तो हक बनता है ना कि आप वीडियो सिर्फ देखिए ना, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन कौन से एल्विस यादव के देखना चाहते हैं रिएक्शन, तो आखिर वो हम लोग लेकर आए करेंगे एक और रिएक्शन वीडियो के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।